अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश। उसके लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया हुआ है, वो 1 किलो है। एक बंच पालक की है और थोड़ी सी हरी धनिया है कटी हुई। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की टमाटर है जिसे मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने दही के लिए हुए हैं, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया को मैंने पीस लिया है। पाउडर मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 स्पून मैंने हल्दी लिया हुआ है, 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है जिसे मैंने तवे पे सेक लिया है और हाथ से मल के रख लिया है, और 1/4 स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से लें और नमक आप अपने हिसाब से लें, और मुझे थोड़ा सा गरम मसाला चाहिए। ये साबुत मसाला है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 4 लौंग लिया है, 4 छोटी इलायची लिया है, 10 से 12 काली मिर्च लिए हुए हैं, और 3 बड़ी इलायची है, 3 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी है। 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप चाहें तो जो घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे बना सकते हैं। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज थोड़ी सी पिंक हो गई है, अब इसमें मैं ये साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ और इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का थोड़ा कलर और चेंज ना हो जाए। प्याज हो गई है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटन। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में और बारीक पीस सकते हैं, दही, ये जो हमने हरा मसाला पीसा था वो, अदरक लहसुन और नमक, सारे सूखे पाउडर मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है, अब मैं इस पे ढक्कन लगा रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं। अब इसे हम स्लो आंच पे पकाएंगे। ये 20 मिनट हो गया मुझे गोश्त रख के स्लो पर, और ये अच्छे से गल गया। बीच बीच में मैं आके से चला भी रही थी। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम हो गया है तो आप पानी डाल सकते हैं, ये अभी तक अपने खुद के पानी में है। तो चलिए अब गैस को तेज़ करते हैं और इसे भूनना शुरू करते हैं। चलिए अब इसे भूनेंगे। इसी टाइम मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ कि पालक भी भूनते भूनते हो जाए, तो अभी मैं इसमें पालक भी ऐड कर लूँगी और इसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक के गोश्त में जो स्मेल होती है वो चली ना जाए। ये 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, इसे और थोड़ा भूनना है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैं बिल्कुल इतना से ही डाल रही हूँ, एक अच्छी सी मोटी सी पिंच गरम मसाला कसूरी मेथी मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छे से और थोड़ा भूनेंगे। ये मैंने 10 से 12 मिनट एकदम अच्छे से भून लिया है और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गई है, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। ये मैं इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई थी क्योंकि ये इतने ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मैंने भून लिया है इसमें मलाई डालने के बाद। इसमें थोड़ा सा मैं पानी लगा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लिया है, 100 ml पानी लिया होगा मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे स्लो आंच पे रख देंगे ढककर 5 मिनट के लिए। इसे मैं ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक मैंने इसे स्लो पे रखा था और ये हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। गैस को ऑफ कर लेंगे, इसे प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये पालक गोश बन के रेडी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।